आज फ्रेंड्स मैं आपके साथ बनाऊंगी ये आलू और सूजी का एक बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता, जो सिर्फ 5 से 6 मिनट में आप बनाओगे, बहुत ही यम्मी बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं गैस पे आपको कढ़ाई रख दी है और इसमें आपको 1 चम्मच सरसों का तेल डाल दीजिए। आप जो तेल खाते हो घर में वो तेल डालिएगा। और इसके बाद इसमें 1 छोटा चम्मच मैंने जीरा डाला है। और जब जीरा हल्का सा पक गया है तो इसमें मैंने एक मोटा मोटा काट के प्याज डाला है। तो प्याज छोटा सा बिल्कुल था उसी को मैंने काट के डाला है। 1 हरी मिर्च डाला है और प्याज को हम हल्का सा यहाँ पर हरी मिर्च के साथ ही पकाना है। तो जब तक प्याज बन रही है तब तक हम इसमें मूंगफली डाल देंगे, तो दोनों चीज़ें एक साथ ही पक जाएगी। तो ये कच्ची मूंगफली है, 1 चम्मच मैंने मूंगफली डाला है। मूंगफली बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हो तो डाल दीजिएगा, नहीं तो बिना इसके भी आप बना लीजिएगा। और देखिए प्याज और मूंगफली हल्की सी भुन गई है। मूंगफली का ये कच्चापन जो है जब हट गया है तो इसमें मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पर मेरे पास मटर थी तो ये फ्रोज़न मटर है, मैंने उसे डाल दिया है। तो मटर आप चाहो तो उबाल के डाल दीजिएगा या कच्ची डाल सकते हो। हल्का सा भून लिया है मैंने 1 मिनट इन दोनों चीज़ों को, और मूँगफली और मटर भी अच्छे से पक गई है और प्याज भी नहीं जला है बिल्कुल भी। तो बस 1 से 2 मिनट ही इसे हमें धीमा करके गैस को भूनना है। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने हरी मिर्च डाली थी वो तीखी थी इसलिए। और यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक, तो नमक आप अभी कम डालिएगा, अभी आगे भी हम नमक डालेंगे इसलिए नमक आप हिसाब से डालिएगा। ज़्यादा मसाले हम इसमें नहीं डालेंगे। इसके बाद हम इसमें 1/4 चम्मच इसमें गरम मसाला डालेंगे, क्योंकि गर्मी का मौसम है, बहुत ही कम तेल घी से हम ये नाश्ता बनाएंगे, ज़्यादा बिल्कुल भी मसाले वगैरह तेल नहीं बनाएंगे। और देखिए बस इसमें हमें अब उबला हुआ आलू डाल देना है जब मसाले भुन जाए। तो यहाँ पर आलू मैंने यहाँ पर उबाल लिया था और उसके बाद इसे छील के हाथ से मैश किया था। तो ये उबला हुआ आलू है जिसे मैंने पहले से उबाला हुआ था। आलू को मसाले में डाल देंगे और इसे स्पैचुला से मैश करेंगे। बीच बीच में आप इसे मैश करते जाइएगा, जिसमें जो आलू है ये मूंगफली में आराम से मिल जाएगी और आलू भी हमारी बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। तो जो आलू के बड़े बड़े टुकड़े हमें दिख रहे हैं ना, उसे हमें इस तरीके से आप मैचअप मिलाओगे स्पैचुला से तो बहुत आराम से मिल जाता है, आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए 2 मिनट धीमा करके गैस को मैंने आलू एकदम बिल्कुल मसाले के साथ भून लिया है। जब आलू आपकी भून जाए आप आलू को इस तरीके से मैश कर लीजिएगा। तो आप इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिएगा। तो बस लास्ट में ही हमें हरा धनिया डालना है। और जब आप धनिया पत्ता डालिए तो आप उसके बाद गैस को बंद कर दीजिए। यहाँ पे जो आलू का हमारा टेस्टी सा मसाला है वो हमने बना लिया है और यहाँ पे बस आपको गैस को बंद करना है और थोड़ी देर के लिए आलू को हमें ठंडा करना होगा। तो यहाँ पे आलू को मैं दूसरे बर्तन में निकालती हूँ, जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो बस एक प्लेट में निकालते हैं और इसे साइड में रखते हैं। और तब तक मैंने यहाँ पे 1/2 कटोरी सूजी ली है। तो आप यहाँ पे कोई भी मोटी पतली जो सूजी आपके पास हो आप वो ले लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे 1/2 कटोरी मोटी सूजी ली है। आपके पास जो सूजी हो अवेलेबल आप वो ले सकते हो। तो एक मिक्सी के जार में हमें यहाँ पे जो सूजी है हमारी हम उसे डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं 1/2 कटोरी सूजी मिक्सी के जार में डाल दूँगी। जिस कटोरी से आप सूजी लीजिएगा, जैसे मैंने 1/2 कटोरी सूजी ली है उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी पानी भर के डाला है। तो जितना सूजी होगी उसका डबल हमें पानी डालना है। इसके बाद 3 लहसुन डाल देंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो इसके जगह थोड़ा सा अदरक डाल सकते हो या इसे आप छोड़ भी सकते हो। और हल्का सा इसमें नमक 1/2 छोटा चम्मच डाल देंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था आलू के मसाले में भी नमक कम डालना है, तो यहाँ पे भी हम नमक डालकर इसे पीस लेंगे। तो मैंने यहाँ पे मिक्सी के जार में इसे पीस लिया है और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया सा पतला सा हमें सूजी का जो पेस्ट है यानी घोल है ये बन गया है। तो आपको हम दूसरे बर्तन में निकाल के दिखा देते हैं घोल हमें कितना पतला रखना है। घोल अगर आप ज़्यादा गाढ़ा नहीं करिएगा, ज़्यादा गाढ़ा कर दोगे तो ये काफ़ी मोटा हमारा नाश्ता बनेगा। इस तरीके से पतला घोल बनाना है और ज़्यादा सूजी भी हमें इसमें नहीं चाहिए होगी। और जो आलू का मसाला था वो भी हमारा ठंडा हो गया है। अब मैंने गैस के ऊपर एक तवे को रख दिया है गर्म होने के लिए। तवा हल्का सा गर्म हो गया है और उसके बाद हम इसमें ब्रश से थोड़ा सा तेल लगा देंगे। हल्का सा तेल लगाना है, ज़्यादा तेल नहीं, बस हल्का सा तेल लगा के आप इसे फैला लीजिएगा। और जो हमने सूजी का घोल बनाया था उसे तवे पे डाल दीजिए और इसे इस तरीके से आप फैला लीजिए। घोल पतला है तो ये आराम से फैल जाता है। और इसे अब हम एक तरफ पकने देंगे जिससे ऊपर की इसकी जो सतह है वो यहाँ पर पक जाएगी।
तो गैस मैंने यहाँ पे लो टू मीडियम ही रखा है और इसे धीमा करके ही आपको सेक लेना है। तो देखिए जब एक तरफ से ये पक जाता है, कुछ सेकंड में ही पक गया है, तो हम इसे पलट देंगे। दोनों तरफ से हमें थोड़ा सा इसे पका लेना है हल्का सा, जिससे ये कच्चापन इसमें ना लगे। जब इस तरीके से पक जाए तो आप जिन्हें जो आलू का मसाला हमने बनाया था ना, उसे हम इसके ऊपर लगा देंगे और इसे हम रोल कर देंगे। जैसे हम रोल बनाते हैं बस उसी तरीके से। अभी थोड़ा सा गर्म है तो आप सावधानी से इसे इस तरीके से रोल कर दीजिएगा। और देखिए एक नाश्ता यहाँ पर बिल्कुल कम तेल में बन के तैयार है। इसे प्लेट में रखते हैं। अब हम तवे पे कोई भी तेल नहीं लगाएंगे, इसी तवे पे हम इसे बनाएंगे। तो अब जो दूसरा नाश्ता हम बना रहे हैं ना, इसमें बिल्कुल भी तेल का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। इसीलिए ये नाश्ता काफ़ी हेल्दी है और बिल्कुल भी आपको इसे जो है तेल ज़्यादा आपको बिल्कुल भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से आप दोनों तरफ से सेक लीजिए। जब ये हल्का सा पक जाए, इसके ऊपर ब्राउन स्पॉट देखे दिख रहे हैं ना, तब आप इस पर आलू का मसाला लगा दीजिए। और जब मसाला लगा के आप इसे इस तरीके से रोल कर देंगे, हल्का सा गर्म है, सावधानी से रोल करिए। और इसी तरीके से एक एक करके सभी को बना के रख लीजिए। सारे नाश्ते हमने इसी तरीके से बनाए हैं और इसके बाद हम इसे चाकू से इस तरीके से बीच से काट देंगे और इसे इसी तरीके से सर्व करेंगे। देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखता है और इस तरीके से आप मेहमान को देंगे तो वो बहुत खुश होंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, सिर्फ सूजी और आलू से इसे हमने बनाया है, वो भी दो बूंद तेल से। ये वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर से।